कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं। ओलंपिक चैंपियंस बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी बधाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच देश के दो प्रमुख पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने राजनीति की दुनिया में कदम रखते ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और पार्टी मुख्यालय में औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। कांग्रेस में शामिल होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चक दे इंडिया चक दे हरियाणा। उन्होंने बजरंग और विनेश की सराहना करते हुए कहा कि इन दोनों चैंपियंस ने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है और हमें उन पर गर्व है। विनेश फोगाट ने कांग्रेस का आभार जताते हुए कहा कि मुश्किल समय में कांग्रेस ने उनका समर्थन किया। उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि जब वह और अन्य पहलवान जंतर मंतर पर न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, तब कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी थी। विनेश ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सड़कों से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने पहलवानों के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत पसंद है। उन्होंने दोनों की खेल उपलब्धियों की सराहना की, लेकिन साथ ही कहा कि खेल और राजनीति अलग अलग क्षेत्र है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे, तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को, जो मेहनत जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज मंजूर होगी। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूं कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत एक मैं। टुडे इज द बिग डे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ए प्राउडफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक जॉइन विनेश फोगाट जी एंड बजरंग पुनिया जी इनसाइड द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। विनेश जी हेलिंग अ फैमिली फ्रॉम ब्रसेल्स, व्हेन शी वाज 9 years old हर फादर वाज शॉट डेड इन फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ अ रिलेटिव ऑफ हर फैमिली। कैन यू इमेजिन दैट, व्हेन अ गर्ल चाइल्ड वाज 9 years old her own father shot dead by nearby the family premises, but her conscious mind brought her here, her braveness brought her here, her courage brought her here, becoming a 3-time Olympian, having completed in 3 different weight classes, 48 kg in 2016, 53 kg in 2020 and 50 kg in 2024. In 2024 she became the first Indian woman wrestler to have reached finals at the Olympics games. However, we know most disappointed news India heard that point of time she had been disqualified.